चंडीगढ़ रोड पर डेराबसी के निकट अस्पताल इंडस टावर में एक महिला रोगी की देह को चूहों द्वारा कुतरे जाने का सनसनीखेज समाचार मिला है। 52 वर्षीय मृतक जसजोत कौर को गत बुधवार दिल की बीमारी को लेकर उक्त अस्पताल में भर्ती कराया गया था। श्रीमती जसजोत का देहांत कल प्रातः हुआ। उसके भाई व अन्य रिश्तेदारों ने दूर से आना था, इसलिए शव को अस्पताल के मॉर्चरी में रखा गया। शुक्रवार दोपहर 2 बजे पंचकुला के सेक्टर 28 स्थित शमशान घाट में होनी तय थी। उनके सगे संबंधी और मित्रकार सभी शमशान घाट में शव आने का इंतजार करते रह गए, जबकि दूसरी ओर अस्पताल में माजरा ही कुछ और हो गया। जब पंचकुला के सेक्टर 26 निवासी कर्नल और उनका परिवार जसजोत कौर का शव लेने पहुंचे, तो चिकित्सक स्टाफ कुछ आनाकानी करने लगा। मृतक की देवरानी परमिंदर कौर के अनुसार डॉक्टरों ने खुद से बताया कि शव को चूहे कुतर गए हैं। अंतिम समाचार मिलने तक अस्पताल में हंगामा मचा था। अभी मुझे लगा कि देयर वाज मेडिकल नेग्लिजेंस जिसके कारण ये डेथ हुई है, तो तब से मैंने पूछताछ करनी शुरू करी एंड आई एक्सप्लेन दैट वन डे बिफोर आल्सो देयर द स्टाफ जो है वो इनकॉम्पिटेंट था फॉर टेकिंग द ब्लड रिपोर्ट एंड थिंग्स लाइक दैट, इट वाज इनकॉम्पिटेंट। तो उसके कारण जो है जो मेरी वाइफ को काफ़ी ट्रॉमा हो रहा था, तो मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन किया, बट आई सेड एंड आई वॉज टोल्ड कि दे विल इम्प्रूव देयर स्टैंडर्ड फॉर द नेक्स्ट पीपल टू कम। तो उसके बाद फिर मैंने जो है अपनी, क्योंकि मेरे रिलेटिव्स ने दूर से आना था, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि बॉडी जो है मॉर्चरी में रखी जाए। तो प्रॉपर प्रोसीजर के डिक्लेयर कब की इन्होंने? 7:40 पे डिक्लेयर किया। ठीक है, लेकिन आपको तब भी शक था कि इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट यहाँ पे नहीं मिला? ट्रीटमेंट नहीं मिला है। अभी आप इसके ऊपर बात की, मतलब सोच ही रहे थे, इसीलिए मैंने जाके पूरी मैनेजमेंट में बताया था कि ये नेग्लिजेंस के कारण हुआ है। बिकॉज माय मैनेजमेंट को बताया था, मैंने वहाँ डॉक्टर्स को बताया था वहाँ पे, हाँ, इंटरनेशनल के इसको, कि दिस इज हैपेंड बिकॉज ऑफ नेग्लिजेंस। के बाद जो है चाबी लेके जब आया तो कोई स्टाफ नहीं था हेल्प करने के लिए बॉडी बाहर निकालने के लिए। उसको बॉडी को मैंने और मेरे साथ मेरा जो यूनिट का एक जवान आया है हेल्प करने के लिए, वो और मेरे ब्रदर ने, उन्होंने बाहर निकाली और उस समय बॉडी रैप थी और उधर से कान और मुंह से ब्लीडिंग हो रही थी। कान ये वाला लेफ्ट और राइट? राइट, राइट कान, राइट कान और मुंह से ऐसे ब्लीडिंग हो रही थी, ब्लड बाहर उसके ऊपर गिर रहा था पूरे फ्लैंक के ऊपर। ठीक है, और वो इतना था कि वो नीचे जमीन के ऊपर गिर गया, ड्रॉप्स गिरे और वो अभी भी मौजूद हैं वहाँ पे। ठीक है, तो आपको क्या शक हुआ? मुझे तो लगा कि देर इज समथिंग विच इज वेरी फिशी। आई इमीडिएटली रिपोर्टेड द मैटर कि आई विल नॉट एक्सेप्ट इट, दिस इज नेग्लिजेंस ऑन पार्ट ऑफ पीपल, इनडिफरेंस ऑन पार्ट ऑफ पीपल। इनका क्या कहना था? इनके बाद वो डॉक्टर की टीम आई, वो अंदर घुसी, उन्होंने देखा और दे केम आउट, जैसे कि लगता है कि कोई चूहा अंदर घुस गया इसके अंदर, पर बॉडी की स्मेल भी आ रही थी। तो मुझे लगता है कि जो टेम्परेचर मेंटेन करना चाहिए वो मेंटेन नहीं हुआ, और इसके कारण शायद चूहा वो घुसा हो, क्योंकि बॉडी की स्मेल आ रही है, अभी भी खड़े हुए यहाँ स्मेल आ रही होगी। और इसके अलावा फाउल प्ले आपको लगता होगा? फाउल प्ले हो सकता है जब तक कि पूरी बॉडी खुलेगी नहीं, जब तक कि पोस्टमार्टम, तभी आपने पोस्टमार्टम के लिए एप्लीकेशन दी है? मैंने पोस्टमार्टम के लिए एप्लीकेशन दी है कि लेट द थिंग कम आउट कि एग्जैक्टली हुआ क्या है बॉडी के साथ, एंड लेट द पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस बी पनिश्ड। और आज क्या, आपने जब बॉडी लेने आए थे तो आपने क्या क्रीमेशन का टाइम भी तय कर लिया? टाइम मैंने फिक्स किया हुआ था 2 बजे का, 1 बजे पंचकुला में, पंचकुला सेक्टर 28 में। तो मेरा ये प्लान था कि 1 बजे बॉडी लेके तकरीबन आधा घंटा वहाँ पहुँचने में लग जाता है, तो उतना थोड़ा सा कुशन टाइम लेके 2 बजे क्रीमेशन करेंगे। आई वॉन्ट पीपल रिस्पॉन्सिबल टू बी पनिश्ड सिवियरली। ओके, इन बोथ टर्म्स, if somebody is going to be held have apna guilty, yes, then as strict action or the next legal action should be taken and not get away by after having doing such a crime. Okay. This is against humanity. So abhi aaj hi hoga postmortem ke kal hoga abhi ye mujhe pata? Maine abhi Dr. Vinita Jain se baat kari hai, unko request kiya hai to reduce our suffering. Okay. Suffering of my people, my relatives, ji. By expediting the postmortem so that they don't have to keep waiting. Right, this sir. Is a COVID time, everybody is scared, and the cremation can also take place, sir. Yes, and there is time, there is a problem to station so many relatives. It has become an additional now problem for me, how I am going to station and where I am going to station people. And when we came, she was no more. After that, anyway, because the relatives were to come from outside, so the body was kept there. So today morning when we
ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਵਰ ਸੁਹਾਗਾ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲਾਲ ਦੁਪੱਟਾ ਪਹਿਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੱਪੜੇ ਕੁੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਬੋਡੀ ਲੈਣਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਟੀਵੀ ਕੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਕਾ ਬਟਨ ਦਬਾਏ ਔਰ ਦੇਖੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਔਰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਮੇਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲਯਵਾਨ ਸੁਝਾਅ